हेलो स्टूडेंट्स नाउ आई एम हियर टू डिस्कसिंग अबाउट द न्यू ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इन दिस मॉडर्न एरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम सो एज़ लाइफलाइन ऑफ द नेशन यानी आज के इस मॉडर्न टाइम में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है किसी भी इकोनॉमी में किसी भी नेशन में एज ए लाइफ जो है रोल प्ले करता है यानी इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है इंडिया आज पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स एंड कम्युनिकेशन मेथड्स आज की डेट में ये मैटर नहीं करता कि कोई प्ले आ, कोई जो पर्सन है वो कितने डिस्टेंस पर आपसे है आप उसके पास जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मोड्स अब हम ये बात करते हैं कि ट्रांसपोटेशन सिस्टम के अंदर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें या मोड्स इंक्लूड किए जाते हैं सो अंडर ट्रांसपोर्टेशन We are including the railways, roadways, waterways, and airways. Other than it, in a communication system, we are using the TV. रेडियो मोबाइल एक्सेट्रा सो दीज आर मेन व्हिच कम्स अंडर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर इतनी वाइड वेराइटी है कल्चर्स की कस्टम्स की बट कुछ भी मैटर नहीं करता आप किसी भी प्लेस पर इजीली जा सकते हैं किसी भी प्लेस पर बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मेथड्स सो नाउ डिस्कसिंग द डीप मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन अब अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसके अंदर हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपने आप से उठ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकती हैं उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट मोड्स की ज़रूरत होती है ताकि हम इंडस्ट्री से या मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सके दैट्स वाई अ ट्रांसपोर्ट मोड्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से प्रोडक्ट को कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाने की इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस सो so वॉट इज़ ट्रांसपोर्टेशन Moving the product from manufacturer to consumer is called transportation. Yanis, your transportation system has also known as the backbone of business world, or you can say the business of India. ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ही बिज़नेस एक्सपैंड करने में हेल्प मिलती है इसी की वजह से इंडिया का जो बिज़नेस है वो सिर्फ नेशनल मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है वो आज इंटरनेशनल वर्ल्ड तक पहुंच चुका है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड मेजरली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कितने कैटेगरीज में डिवाइड होता है तो अर्थ के बेसिस पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज land air and water we will discuss about the categorization in the next video so this was all about the concept transport in india but to learn more about the concept do register yourself at our official website www.abhyasonline.in